वेलकम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से मुतल्लिक, ठीक है? ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक से मुतल्लिक क्लियर हो सके. हमारे पास प्रॉब्लम क्या है वो ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्रंट ऑफ एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कैरिंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 3.58 इनटू 10 विश टू पावर माइनस 12 कूलम पर मीटर स्क्वेयर. ठीक है, हमारे पास एक चार्ज की शीट मौजूद है. ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बड़ी से. मेरे पास जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक शीट मौजूद है. हमने इनफाइनाइट शीट क्यों ली है? हमने ये शीट ऐसी ली है जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों ने कोई देखा है और ना ही हम लोगों ने उसका एंडिंग पॉइंट कोई रखा है, यानी कि वो इनफाइनाइट है. और ये इनफाइनाइट शीट क्यों ले रहे हैं हम? वो इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास टू डायमेंशन में कोई भी शक्ल आ जाए. ठीक है, तो हम एक जनरल केस ले रहे हैं जो हर किस्म की शक्ल को हैंडल कर लेगी. ठीक है, और हमने ये कहा है कि जो शीट है इस पे चार्ज है. चार्ज मतलब कि ये ऐसे मटेरियल की बनी हुई है ये जो शीट है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई हुई है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. जैसे हमने यहाँ पे देखा भी है कि हमें गिवन है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसकी जो सरफेस है उसके ऊपर जो चार्ज मौजूद है वो 3.58 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम पर मीटर स्क्वायर का मौजूद है. यानी कि इसकी सरफेस पे से इतने जो चार्जेस हैं, इतने कूलम चार्जेस जो हैं वो कम हैं, इसीलिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी वो इतनी है. यानी कि एक मीटर स्क्वायर एरिया में इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है हमारे पास. ठीक है, तो हमें कहा क्या क्या है? हमें कहा यह गया है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं पॉइंट कोई भी पी ले लेती हूँ. ठीक है, तो ऑब्वियसली कि ये जो मेरे पास शीट है इसके ऊपर चार्ज है, तो हम ये जानते हैं कि जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की कमी या ज्यादती की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है. तो इस शीट की वजह से जो चार्जेस हैं उनकी वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड वजूद में आएगी और हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई मालूम करनी है. ठीक है, तो अब हम अपने पास डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास डाटा में क्या क्या गिवन है. ठीक है, हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास शीट है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, वो है 3.58 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 कूलम पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने फाइंड आउट करनी है कि इस चार्ज शीट की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मौजूद है. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि फर्दर हम कैलकुलेट करते हैं जब, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है एक इनफाइनाइट शीट की के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. और जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है? वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का कॉन्स्टेंट है, जो कि हमें ये बताता है कि किसी भी फ्री स्पेस में अगर हम चार्ज रखते हैं तो चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किस हद तक इफेक्टिव होगी, कहाँ तक वो अपना असर शो करेगी. तो यहाँ पे चूंकि वो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी हमें पता है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं जो कि है 3.58 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 कूलम पर मीटर स्क्वेयर. ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट की? वो होती है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर. ठीक है, तो इसके बाद जब मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आती है 0.202, 0.202. ठीक है, आगे यूनिट्स को बैलेंस आउट कर लेते हैं. ऊपर मेरे पास क्या गिवन है वो है कूलम पर मीटर स्क्वायर, नीचे क्या गिवन है? कूलम स्क्वायर. ठीक है, कूलम स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, एक कूलम नीचे के एक कूलम से कट जाएगा. तो मेरे पास आंसर जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो आ रहा है 0.02 न्यूटन पर कूलम. यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे पास वैल्यू आ रही है न्यूटन पर कूलम, ये मुझे ये बता रही है कि इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के सामने किसी भी जगह अगर मैं कोई पॉइंट चार्ज रखती हूँ तो वो कितनी अपने ऊपर फोर्स फील करेगा इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से? वो फील करेगा 0.202 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो प्रॉब्लम है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के मुतल्लिक ये अच्छे से समझ आ गया होगा.